हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। नमस्ते टू एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपने ऑब्वियसली हेडिंग तो देख ही लिया होगा, कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। दिस टॉपिक इज इनटू द मैथमेटिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन स्टैट्स, बहुत जगह होता है। काफ़ी लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं बट बहुत ऊपर से। हमें ऊपर से नहीं पढ़ना, हमें तो डुबकी लगा के पढ़ना है। डुबकी लगा के मीन्स कंसेप्चुअली पढ़ना है, ताकि देखो जब तक मैथमेटिक्स में कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तक आगे बढ़ने का देर इज नो पॉइंट। ये थोड़ी सिर्फ दो चार सवाल करके बस मैथ्स के एक्सपर्ट बन जाओगे, नो। और चलो एक्सपर्ट भी नहीं बनना, बट अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो यार उसको शिद्दत से तो पढ़ो, उसको अच्छे से तो पढ़ो, सामने वाले को बताओ तो पता तो लगे कि हाँ भाई तुम्हें आता है या तुम्हें किसी ने सिखाया है, तो सही सिखाया है नहीं सिखाया है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है, फाइन। सो कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन अच्छा टॉपिक है, बट पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाइज हम लोग लेके चलेंगे। मैं आपको पहले दो डिफरेंस समझा दूं। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, अनकंस्ट्रेंट एंड कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। पहले आप इन दोनों का मीनिंग समझेंगे, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। सी ऑप्टिमाइजेशन जब मैं बात करता हूं ऑप्टिमम, जैसे इकोनॉमिक्स में कॉस्ट वर्ड बोलते हैं तो ऑप्टिमम कॉस्ट मींस मिनिमम कॉस्ट, प्रॉफिट वर्ड बोलते हैं ऑप्टिमम प्रॉफिट मींस मैक्सिमम प्रॉफिट, रेवेन्यू को ऑप्टिमम बोलते हैं इट मींस मैक्सिमम रेवेन्यू। सो ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन की। अभी तक के सवालों में जब आप लोगों ने 12th क्लास तक या शुरू के सेमेस्टर में जिस भी फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना सीखा होगा वो अनकंस्ट्रेंट फंक्शन होते हैं। अनकंस्ट्रेंट का बेसिक मतलब आपके पास नॉर्मली एक फंक्शन दे रखा है, चाहे टू वेरिएबल फंक्शन है या चाहे थ्री वेरिएबल फंक्शन है या वन वेरिएबल फंक्शन भी है, ठीक है, जिस भी तरीके से ये अनकंस्ट्रेंट है। अनकंस्ट्रेंट का मतलब होता है इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये बाउंडेशन और ये कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। सी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कंस्ट्रेंट इकोनॉमिकली अगर मैं चीजों को लेके चलूं, या छोड़ो जिसको इकोनॉमिक्स भी नहीं आती, जनरली बात करते हुए चलो, सपोज करो आपको मार्केट जाना है, मार्केट से आपको राशन लेना है घर के लिए, ठीक है, और आप लिख कर नहीं लेगा कि आपको कितना राशन लेना है, तो आपने क्वांटिटी बटोरना शुरू की, दाल खरीदी, चावल खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, आपने बटोरना शुरू किया, बट यू हैव सम कंस्ट्रेंट कॉरेस्पॉन्ड टू दैट। एक लिमिट है आपकी, लिमिट क्या है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर, भाई आप पॉकेट में लेके गए 10,000 रुपये, तो 10,000 से ज़्यादा का राशन तो नहीं खरीद सकते। आप बेकार के सवाल नहीं करोगे, हाँ प्लीज़ कि उधार ले लेंगे ना ले लो, प्लीज़ जितनी तुम्हारी बाउंडेशन है उतना ही चीज़ तो तुम खरीदोगे। सो अगर आपको अपनी राशन की क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्वांटिटी खरीद सकूं, जो भी मेरी राशन की क्वांटिटी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कंस्ट्रेंट है, दैट इज़ योर इनकम। अभी तक जब भी 12th क्लास में या सेमेस्टर्स 1 में आप लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते थे, तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई से, ठीक है, वेयर जेड इज मैक्सिमम और मिनिमम। सो यहां पर कोई लिमिट नहीं होती थी, बस आप फंक्शन को सॉल्व करते थे, उसके बेसिस पे आंसर निकाल लेते। बट कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब यू हैव सम लिमिट, यू हैव अ बाउंडेशन कॉरस्पॉन्ड टू द फंक्शन विच वी नीड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। क्लियर है सबको अच्छे से, आई होप सो। सो यहां पे जब भी आप फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होगी, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, जो कि होता है जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी, like whatever point you are going to put here for in place of x and y, अगर आपको इसे maximize करना है और minimize करना है whatever it is, so वो एक्स वाई इस equation को hold करना mandate है। जैसे economics वाले students काफ़ी इस चीज़ को समझ पाएंगे, जिन्होंने 12th में भी economics पढ़ी होगी वो भी might भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को catch कर पाएँ कि कभी भी अगर मुझे अपनी यूटिलिटी को मुझे अगर मैक्सिमाइज करना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट को शॉर्ट में एस डॉट टी बोलते हैं, ठीक है, एस डॉट टी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट होगी वो होगी मेरी बजट लाइन। क्या होगी? बजट लाइन।
लेट अस सपोज एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूँ, मेरे को अगर मैक्सिमाइज करना है अपनी यूटिलिटी को, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी यूटिलिटी है मेरी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बजट लाइन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट होगी एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई इज इक्वल टू एम, विच इज मनी इनकम। भाई मैं अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ तो कितना खाऊं एक्स और वाई को, भाई मैं कुछ भी डालूं एक्स वाई को, भाई ऐसे थोड़ी एक्स वाई को इतना खाऊं कि अपनी मनी इनकम के बराबर तक तो रखूं एटलीस्ट। सो दिस इज काइंड ऑफ एफ एक्स वाई एंड दिस इज काइंड ऑफ जी ऑफ एक्स वाई बराबर में सी। ये सी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसमें हम इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, जिसको एनवलप थ्योरम कहा जाता है, शैडो प्राइस कहा सकता है, वो आगे की बात है। ठीक है, चलिए जी। सो आई होप सबको कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट के बीच का डिफरेंस पता लग गया कि जब भी किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो उसे अनकंस्ट्रेंट में काउंट करते हैं, बट अगर किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई को लेके कोई इक्वेशन दे रखी है भाई कि जो भी तुम एक्स वाई निकालोगे वो इसको होल्ड करना जरूरी है, इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। कोई कॉन्स्ट्रेंट बोलता है कि कंस्ट्रेंट बोलता है, मैं दोनों में से दोनों ही बोलता रहूंगा। ठीक है, फाइन। सो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मीनिंग आई होप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, इसको पता क्या है, कैलकुलेशन तुम सब कर लो, बिलीव मी तुम सब कर लो, मेन एक कंसेप्ट। मैं ना तुम्हें शुरू में ना फॉर्मूला रटवा के काम नहीं कराना चाहता यार, तो प्लीज क्लास में अंत तक बने रहो। ओके, देखिए, सो मैंने एक छोटा सा हैमंड का एक डायग्राम लिया है। हैमंड एक बुक है मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स की, और ये बहुत कॉमन डायग्राम है जो ऑलमोस्ट सभी लोग यूज करके इसको पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैं इस डायग्राम के अलावा भी उतना ना छोड़ के और भी काफी चीजें आपको बताऊं। ठीक है, ये देखिए, एक ये थ्री डायमेंशनल में कर्व है जेड बराबर एफ एक्स वाई का। जस्ट वेट, एक बारी मैं जरा पेन ले लूं। ओके, ठीक है, फाइन। ये जेड बराबर एफ एक्स वाई का डायग्राम है। ठीक है, फाइन। ये डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, इस डायग्राम को प्लीज समझिए, एवरी वन प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इससे नजरें ना उठाइए, ना ही वीडियो को आगे और पीछे कीजिए। मैं 5 मिनट लगाऊंगा इसे समझाने के लिए, पर सच्ची में अगर इसकी दिमाग में फिगर घुस गई और समझ में आ गया, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो, पहले मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल तरीके से भी कराऊंगा, सारे मेथड कराऊंगा। देखो, आपके पास एक डायग्राम है, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा ये जो भी जेड बराबर एफ एक्स वाई का डायग्राम बना है, मान लो मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सो यू कैन सी इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज हिट दिस। सपोज करो एक आप चट्टान पे चढ़ रहे हो, तो चट्टान की जो चोटी होगी, टॉप मोस्ट जो पार्ट होगा, वो उसका मैक्सिमम हाइट हो गया, फ्रॉम बॉटम टू टॉप मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए वी हैव सम कंस्ट्रेंट, विच इज जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी। तो ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस है, ये डायग्राम जा रहा है जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी का, ये रहा, आई होप सबको दिख रहा हो, कुछ इस तरीके का जा रहा है। सो इस जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी के जितने एक्स वाई हैं वो एक्स वाई पे जो जेड आ रहा है उन्हीं जेड को कंसीडर किया जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो इन्होंने जो ये के कर्व बनाया है, विच इज दिस अ काइंड ऑफ पैराबोला, इनवर्टेड पैराबोला, ये एक तरीके से जेड वैल्यूज हैं। अगेन ये जेड वैल्यूज हैं, बट किन एक्स वाई पे, उन एक्स वाई पे जो जी एफ एक्स वाई बराबर सी को भी होल्ड करेंगे। एक तरीके से तुम ऐसे भी बोल सकते हो, लाइक आप लोगों के पास Z का जो भी डायग्राम बना, उन Z के डायग्राम में वो Z वैल्यूज जो इनके एक्स वाई से आ रही हैं, जो जी ऑफ एक्स वाई, मतलब सपोज करो समवेयर हेयर, मान लो इतना पोर्शन ही ले लो, ये जो एक्स वाई हैं, इन एक्स वाई से जो Z वैल्यूज आ रही हैं, उसका डायग्राम ये बना हुआ है, इन्हीं को, इन्हीं Z वैल्यू को कंसिडर करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए।
अगर मैं सपोज करो इस पॉइंट की बात करूं, तो ये जो जेड वैल्यूज हैं इसमें जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी जो हैं, मतलब जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी के जो एक्स वाई हैं, वो इस ए को निकालने में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, क्योंकि तुम देख सकते हो मैंने क्या बताया, आपके पास वो जेड वैल्यू जो कि जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी से आ रही है उसके लिए ये कर्व है। वैसे तो देखो और भी बहुत सारे एक्स वाई हो सकते हैं, ठीक है, बट ओरिजिनली डायग्राम इसका बनाया गया, इसको ना ध्यान में रखते हुए। जब इसका डायग्राम बनाया गया तो पता लगा कि आप लोग अगर इसको 2D में बनाते हो तो इसके एक्स वाई में, इसके जितने भी एक्स वाई हैं, वो एक्स वाई इस वाले डायग्राम के कौन से जेड के पार्ट को लेंगे, तो वो इस वाले जेड को पार्ट को लेंगे, इस वाले जेड के पार्ट को लेंगे। तो यही वाला जेड मैक्सिमम मिनिमम के लिए कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में, कॉन्स्टेंट में मैक्सिमम और मिनिमम जेड जब आप निकालने जाओगे वो जिस भी एक्स वाई से आएंगे उन एक्स वाई को इसको होल्ड करना मैंडेट है, बाउंडेशन। आप एक्स वाई की कितनी भी क्वांटिटी खाओगे उस एक्स वाई के साथ वो मनी इनकम के बराबर तो होनी चाहिए, उससे पीछे तो नहीं जानी चाहिए, उससे आगे तो नहीं जानी चाहिए, ठीक है। फिलहाल इक्वल अगर यूज करते हैं तो उसके बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट द मैक्सिमम इज दिस बी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट द मैक्सिमम इज बी। अगर कुछ बच्चों ने सेमेस्टर में शुरू के सेमेस्टर्स में फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल पढ़ा है, जहां उन्होंने 3D के थोड़े डायग्राम देखे हो या लेवल कर्व देखा हो, तो उन्हें ये फिगर अच्छे से क्लियर हो। मैं कंक्लूड कर देता हूं, मैं चीजों को समराइज कर देता हूं। आप लोग के पास z बराबर f ऑफ एक्स वाई का मैक्सिमम कितना भी बड़ा आ सकता है, बट मैक्सिमम वही कंसिडर किया जाएगा, उन्हीं एक्स वाई का मैक्सिमम z कंसिडर किया जाएगा जो एक्स वाई इसको भी होल्ड करेंगे। तो जिन एक्स वाई, जो एक्स वाई पे जेड वैल्यूज आ रही हैं और वो एक्स वाई इसको भी होल्ड कर रहे हैं, वो ये वाला कर्व है, वो ये वाली जेड वैल्यूज हैं, एंड जेड इज दी हाइट। तो जितना ऊपर जाओगे जेड बड़ा होगा, जितना नीचे जाओगे जेड छोटा होगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी थ्री डायमेंशन की। उसके बाद इन्होंने इसको टू डायमेंशन में लेवल कर्व की मदद से भी दिखा दिया। लेवल कर्व की मदद से दिखाते, ये समझना, ये बड़ा अच्छा पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैं पहले ग्राफिकली सिखाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं पहले ग्राफिकली सिखाता हूँ, फिर मैं मैथमेटिकली भी सिखाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कराऊंगा। देखो ये आप देख सकते हो, ये जो भी डायग्राम जेड का बना हुआ है, जो भी डायग्राम जेड का, इसमें जो भी नीचे पोर्शन आ रहे हैं, ऐसे नीचे बड़ा बड़ा गोला था, सर्कल तो प्रॉपर सर्कल वर्ड नहीं यूज कर सकता, बट इस तरीके के ऐसे 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 ऊपर जाके, तो मतलब जितनी वैल्यू छोटी होती जा रही है, जितने काइंड ऑफ गोले छोटे होते जा रहे हैं, उतना जेड की हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक तरीके के इसके लेवल कर्व बना लिए हमने, ये माना कि हमारे पास जितना बड़ा ये पोर्शन है उतनी जेड की हाइट कम है, और जितना छोटा है उतनी जेड की हाइट बड़ी है। तो इसका मतलब छोटे गोले में, सर्कल वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रॉपर सर्कल नहीं, छोटा सर्कल पे आएंगे तो जेड बड़ा नजर आएगा, और बड़े सर्कल पे जाएंगे तो जेड छोटा नजर आएगा। तो ये मैंने बहुत सारे लेवल कर्व बना लिए। ये वाला जो लेवल कर्व मैंने बनाया, लेट अस सपोज एक ये ए डैश मैक्सिमम है, लेट अस सपोज, और ये जो डायग्राम जा रहा है ये जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी का जा रहा है। अब जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी जहां जहां पे इन लेवल कर्व को कट कर रहा है, लेवल कर्व सबको पता है ना, लेवल कर्व जेड को कॉन्स्टेंट लेके बनते हैं, फाइन, जेड को कॉन्स्टेंट लेके बनते हैं, ओके। सो जितना बड़ा सर्कल उतना z छोटा, आपको पता है ना, मैं थोड़ा सा लेवल कर्व याद दिलाऊं, अगर z fxy होता था तो fxy, लेट अस सपोज z को z1 मान लो, z2 मान लो, z3 मान लो, मतलब सम कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यूज है ना z की डिफरेंट डिफरेंट। अब जितना बड़ा ये सर्कल है उतनी z वैल्यू छोटी है, क्योंकि डायग्रामेटिकली नजर आ रहा है। इसको प्रॉपर सर्कल मत मानो, बिकॉज सर्कल अगर होगा तो सर्कल के राइट में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो रेडियस होती है, तो ऑब्वियसली रेडियस जितनी बड़ी होगी इतना क्या नाम है जेड वैल्यू बड़ी होगी। सो क्योंकि प्रॉपर सर्कल की तरह सर्कल तो पूरा ऐसे गोला टाइप होता है। सो नाउ यू कैन सी कहां कहां पे ये वाला जो कर्व है जेड को कट कर रहा है, ठीक है, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी 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 कर रहा है, यहां भी, यहां भी, ऐसी रैंडमली तीन पॉइंट इन्होंने ले लिया। लेट अस सपोज पी पॉइंट पे, पी पॉइंट जो कि इस जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी का पॉइंट है एक्स वाई, इस एक्स वाई पे जो जेड है वो बड़ा सर्कल है तो जेड छोटा है, और आगे आ जाओ
जितने छोटे सर्कल इस पॉइंट पे, इस एक्स वाई पे जेड पी से बड़ा है, सॉरी जेड इस सर्कल से बड़ा है, यहाँ पे जेड थोड़ा और बड़ा है, यहाँ पे जेड थोड़ा और बड़ा है, यहाँ पे जेड और बड़ा है। अच्छा, एक और सर्कल पे अगर मैं चले जाऊंगा तो जेड और बड़ा हो जाएगा, मतलब जितना मैं टुवर्ड्स ए डैश जाऊंगा जेड बड़ा होता जाएगा, हाइट बड़ी होती जाएगी। बट अब मैं इससे ऊपर वाला जो ये सर्कल है इसे तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि इस सर्कल पे जो भी एक्स वाई है वो जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी को होल्ड ही नहीं कर रहे। जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी को तो वो होल्ड कर रहे हैं वो सर्कल जो कि जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या उसको टच करके नहीं। तो यू कैन सी द क्लियर मैक्सिमम इज दिस, इस मतलब इससे ऊपर जेड तो हो सकता है बट वो जेड नहीं हो सकता जो जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी को भी होल्ड करे, वो जेड नहीं हो सकता जो कि जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी को होल्ड करे, मतलब वो इस वाले जेड के जो एक्स वाई है, इस वाले जेड के जो एक्स वाई है बेटा, ठीक है, वो जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी को होल्ड नहीं कर रहे, तो इसे मैक्सिमम कंसिडर नहीं करें। सो मैक्सिमम इसे कंसिडर करें, तो नाउ यू कैन सी द मैक्सिमम आ कहाँ से है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें मिनिमम नहीं हो सकता, इसमें बोला नहीं बट मैं आपसे बताऊं, अगर सपोज करो मिनिमम हो सकता है, जितना और बड़ा सर्कल बनाओ मिनिमम आ जाएगा, ये मिनिमम क्यों, और बड़ा सर्कल बनाओ ये भी तो मिनिमम हो सकता है, इस कर्व की तो कोई बाउंड्री ही नहीं है तो मिनिमम का चांस ही नहीं है इसमें। जितने बड़ा सर्कल उतनी छोटी वैल्यू, बट जी ऑफ एक्स वाई तो आगे बढ़े जा रहे हैं तो बड़े सर्कल तो बहुत सारे बनते रहेंगे, तो मिनिमम इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैक्सिमम यहां पे कहां एग्जिस्ट किया, इस पॉइंट पे, कब, जब ये जो लेवल कर्व है ये जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी पे टेंजेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल की, जो मैंने 10 मिनट बोला है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल की, कि अगर कंस्ट्रेंट से मुझे किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज वैल्यूज निकालनी है या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो मैक्सिमम मिनिमा की पॉसिबिलिटी कहां पे होती है, जहां पे जो लेवल कर्व है इसका वो इस कर्व पे टेंजेंट हो, और जब लेवल कर्व जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी पे टेंजेंट होगा तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी। सो सिंपल, मतलब देखो आप रिवाइंड करके चीजें दोबारा देख सकते हो, आई नो मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट कमर न्यू स्टूडेंट्स, सो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी अगर आपको लेवल कर्व वगैरह याद नहीं है, बट याद तो करना पड़ेगा वरना कैसे चलेगा, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कंक्लूजन यही है, हमें वो मैक्सिमम मिनिमम जेड चाहिए, ठीक है, जिन भी एक्स वाई पे मैक्सिमम मिनिमम जेड आएगा वो एक्स वाई जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी को होल्ड करना जरूरी है। तो हमारा लेवल कर्व, जितने भी लेवल कर्व मैंने बनाए हैं, ये लेवल कर्व जेड की कोई वैल्यू को फिक्स करके बनाए हैं, तो जितनी भी फिक्स जेड वैल्यूज को लेकर मैंने ये लेवल कर्व बनाए हैं एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से, उन एक्स वाई के कॉम्बिनेशन जहां जहां जी ऑफ एक्स वाई को इंटरसेक्ट करेंगे टेंजेंट होंगे उन्हें कंसिडर करेंगे पॉसिबल मैक्सिमम मिनिमा के लिए। एंड हमने क्या बताया, पॉसिबल मैक्सिमम मिनिमा कहां पे आ रहा है, जहां पे लेवल कर्व जो है जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी पे टेंजेंट है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पी को मैक्सिमम नहीं ले सकते, क्यू को भी नहीं ले सकते, ठीक है, हाँ, क्यू का जो जेड होगा, क्यू पे जो जेड होगा पी से बड़ा होगा, क्योंकि जितना हम ऊपर आते जा रहे हैं छोटा होते जा रहे हैं तो हाइट बढ़ती जा रही है, तो छोटे सर्कल मतलब बड़ा जेड, इन दिस एग्जांपल ओनली, नॉट एवरी टाइम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, फाइन। तो हम फिर उसके बाद इस पे आ जाए एक और छोटा सर्कल, अब इससे ऊपर आ जाए एक और छोटा सर्कल, बट वो छोटा सर्कल जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी को होल्ड, मतलब उस पर टच ही नहीं कर रहा ना ही कट कर रहा है, तो उसे कंसिडर नहीं करें, ठीक है। बहुत बता दिया मैंने, आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हूँ। सो फाइनली कंडीशन क्या निकली मैक्सिमम मिनिमम के लिए, कंस्ट्रेंट के लिए, व्हाट इज द कंडीशन यू गाइस आर हैविंग, फाइन। स्लोप ऑफ लेवल कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ जी ऑफ एक्स वाई। अच्छा, लेवल कर्व कब होता है, जब मैं z को की कांस्टेंट कंसीडर करूंगा, लेट अस सपोज b मान लूं, तो स्लोप ऑफ लेवल कर्व क्या होगी, f ऑफ एक्स वाई बराबर b की स्लोप क्या होगी, dy by dx विच इज माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई, और इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस जी डैश एक्स अपॉन जी डैश वाई। सबको पता होगा इम्प्लिसिट फंक्शन में dy by dx कैसे निकलता है, आई होप सो, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स और ऑप्टिमम पॉइंट, स्लोप ऑफ लेवल कर्व इज इक्वल टू
स्लोप ऑफ जो भी कंस्टेंट फंक्शन आपको दे रखा है जी ऑफ एक्स वाई बराबर से। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डायग्रामेटिकली सिखाया है कि जब सिर्फ टच करके जा रहा था तभी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही थी। ठीक है, अब मैं आपको ना इसको मैथमेटिकली भी सिखाता हूँ, मैं आपको इसको मैथमेटिकली भी सिखाता हूँ कि मैथमेटिकली आप इस कंडीशन पे कैसे पहुंचोगे। मतलब अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे होते, ठीक है, अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे होते तो इसको किस तरीके से करते हैं, प्लीज हैव अ लुक। z बराबर एफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी। तुम क्या करते हैं ट्वेल्थ में इस टाइप के सवाल तुम लोग करते थे, याद करो। अगर मैं बोलूं मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मिनिमाइज करना है और मेरी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट एक्स वाई बराबर 10 है, तो y की वैल्यू 10 बाई एक्स निकाल के यहां पुट कर देते और z पूरा इन टर्म्स ऑफ x आ जाता। ये x की वैल्यू y बाय 10 बाय y निकाल के पुट कर देते और पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y बन जाता। सो व्हाट वी डू, ध्यान से देखेंगे। अगर सपोज करो मैं यहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल के यहां पुट करता हूं तो dz बाय dx निकालूंगा। आई होप सबको मोर देन वन वेरिएबल का वो कंसेप्ट याद हो जहां पे हम लोग चेन रूल लगाते थे। एफ डैश एक्स इंटू वन प्लस एफ डैश वाई इंटू में डी पावर डी एक्स। ठीक है, सो एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश वाई इंटू डी पावर डी एक्स वो यहां से निकल जाएगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसमें डी पावर डी एक्स मेरे पास क्या लाई करेगा बेटा, माइनस जी डैश एक्स अपॉन में जी डैश वाई। सो माइनस जी डैश एक्स अपॉन में जी डैश वाई। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, प्लीज यहां लिख लीजिएगा मैक्स और मिनी। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये मैं मैथमेटिकली सिखा रहा हूं तुम्हें। जीरो रखा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई जी डैश एक्स अपॉन जी डैश वाई, फाइनली एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी डैश वाई। यही आ रहा था, याद करो, आ गया ना सेम। सो सबसे इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर फाइंडिंग दी ऑप्टिमम पॉइंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमम पॉइंट्स इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई, एंड ऑप्टिमम वैल्यू मीन जेड वैल्यू। ओके, क्लियर होगा ये? ठीक है, दिस इज द कंडीशन। बट अगेन अब सवाल कुछ इस तरीके से नहीं करने, सवालों को करने का तरीका क्या है अब। अच्छा एक बात बताओ, एक्स वाई निकलेंगे ऐसे, ये भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, ये भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, ये भी इन टर्म्स ऑफ, पता है ना फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी और एक ये मुझे गिवन कंडीशन दे रखी है एक्स वाई की फॉर्म में। इन दोनों को सॉल्व करके आप लोगों को एक्स और वाई फाइंड आउट करने पड़ेंगे एंड देन यू नीड टू प्रोसीड। एक सवाल छोटा सा कराता हूँ, चलो इस पर। ओके गाइस, इससे रिलेटेड एक सवाल आपको कराया जाता है छोटा सा, देखिए क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज जेड एक्स वाई एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है 2x प्लस वाई बराबर एम। ठीक है, कहता है ऑप्टिमम पॉइंट निकालो, तो क्या कंडीशन है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी डैश वाई। व्हाट इज एफ डैश एक्स, y, what is f dash y, क्योंकि ये fx y है ना बच्चों, x, g dash x, ये g of x y है, इसको with respect to x करेंगे तो 2, with respect to y करेंगे तो 1, तो मेरे पास condition क्या आ गई, y equal to 2x, okay, so 2x plus y बराबर m, maximum है या y बराबर 2x इक्वल टू, अगर जो भी निकल कर आया, नॉट दिस मैक्सिमम सॉरी, y बराबर 2x जो निकल कर आया, तुम्हें पॉइंट चाहिए तो इसकी मदद से आप यूज कर सकते हो, बिकॉज वट एवर एक्स वाई यू आर गोइंग टू पुट हेयर दैट मस्ट होल्ड दिस इक्वेशन ऑल्सो। सो इस वाली इक्वेशन में y को 2x डाल दू, दिस इज 4x इज इक्वल टू m, x आ गया m बाय 4 और x को m बाय 4 डालोगे तो y आ जाएगा m बाय 2।
m by 4 and m by. So this is the way you can find out the point. And whatever point you are finding, you found out, please put that points here, x and y ki jagah, to maximum z values aa jayenge. Abhi main bataunga wo maximum hai, minimum hai, wo bhi kaise recognize karoge wo bhi bataunga. But the sabse pehla jo necessary conditions hoti hain, kya points nikalna, to this is the way. Theek hai? F dash x upon f dash y equal to g dash x upon g dash y. Okay. आगे बढ़ते हैं जी. आगे अब हम बात करेंगे जो कि इस पूरे चैप्टर में तुम्हें यूज करना है, विच इज लाग्रेंज मल्टीप्लायर. देखिएगा ध्यान से, what this method is all about, what are the necessary condition correspond to this method. Subject to constraint g of x y बराबर c. ठीक है, इधर देखिएगा, आप लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ी है, f dash x upon f dash y, g dash x upon g dash y. अच्छा, इसको थोड़ा ऐसे लिख लूं, f dash x upon g dash x, एफ डैश वाई अपॉन जी डैश वाई. आई होप सो किसी कोई दिक्कत. इसको ना लैमडा मान लो भाई, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लैमडा मान लो. पहले रेशो को लैमडा के इक्वेट किया तो ये आ गया, दूसरे को इक्वेट किया तो ये आ गया. अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो सारे के सारे बच्चे, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लैमडा टाइम जी डैश एक्स का मतलब है कि एफ डैश एक्स इज प्रोपोर्शनल टू जी डैश एक्स. प्रोपोर्शनल समझते हो ना, मतलब इस तरीके से. तो अगर इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, वो नंबर लैम्डा है यहां पे. सो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स इक्वल किससे, लैम्डा से, तभी लैम्डा को मल्टीप्लायर बोलते हैं. सिंपल. सो भाई साहब ने बनाया था लैग्रेंज, तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर नाम है इसका. ठीक है, सो ये कंडीशन आती है, एफ डैश इक्वल टू लैम्डा जी डैश एक्स, एफ डैश वाई इक्वल टू लैम्डा जी डैश. तो यही कंडीशन मुझे यहां पे लेकर आनी है, बिकॉज पेपर में जो मैंने इससे पहले तुम्हें ये कंडीशन लेके चीजें करने को कही हैं वो नहीं पूछेगा. एग्जामिनर क्लियरली बोलेगा थ्रू लैग्रेंज करो, और अगर ना भी बोले तो जब भी कंस्ट्रेंट आप लोगों को गिवन होगी, आप सारे के सारे स्टूडेंट हमेशा लैग्रेंज से ही करेंगे, नो अदर मेथड. ठीक है, सो इसकी स्टार्ट कैसे होती है, व्हाट आर ऑल द स्टेप्स कॉरेस्पॉन्ड टू द लैग्रेंज, प्लीज राइट डाउन एवरीवन. पहला, लेट लैम्डा बी दी लाग्रेंज मल्टीप्लायर. फिर एक नया फंक्शन बनाते हैं, लेट कैपिटल एफ एक्स वाई लैम्डा, दीज आर सर्टेन स्टेप्स यू नीड टू फॉलो, माइनस लैम्डा जी ऑफ एक्स वाई माइनस सी. वैसे मैं बताऊं, आपको पता होगा जो एक्स वाई से z यहां निकलेगा वही x y इसको भी होल्ड करते हैं, तो दोनों के जो इंटरसेक्शन है मैक्सिमम मिनिमम z के लिए वो सेम होते हैं, दोनों के जो इंटरसेक्शन है मैक्सिमम मिनिमम z के लिए वो सेम होते हैं. सो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन फंक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पहला फंक्शन लैम्डा टाइम दूसरा फंक्शन. ये 11वीं क्लास की अपेंडिक्स में हुआ करता था, पता नहीं तुम्हें याद नहीं आ रहा है. ठीक है, सो पहला फंक्शन माइनस लैम्डा टाइम दूसरा फंक्शन, बाकी मुझे पता है आप लोग इसको लर्न करके चलोगे. फिलहाल लर्न ही करना है कि हम लोगों को मल्टीप्लायर वाले मेथड के थ्रू कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है. सो पहला स्टेप ये हो गया, एफ एक्स वाई माइनस लैम्डा. कुछ कुछ किताबें प्लस भी यूज करके चलती हैं, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं उससे. अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है कैपिटल एफ डैश एक्स निकालना, विच इज स्मॉल एफ डैश एक्स माइनस लैम्डा जी डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश वाई निकालना, विच इज स्मॉल एफ डैश वाई माइनस लैम्डा टाइम जी डैश वाई, फिर एफ डैश लैम्डा निकालना, विच इज माइनस जी ऑफ एक्स वाई माइनस सी. अगर आप लोग इसको जीरो के इक्वेट करेंगे यार, सो व्हाट थिंग्स यू आर गेटिंग, मैक्सिमम मिनिमम के लिए करोगे. पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ही, यही तो कंडीशन आई थी. देख लो अभी भी चेक कर लो, दो ये री, बाकी ये तो जी ऑफ एक्स वाई बराबर सी तो यूज किया था हम लोगों ने. ठीक है,
सो दीज ऑल आर दी थ्री नेसेसरी कंडीशन कॉरेस्पॉन्ड टू दी लाग्रेंज मल्टीप्लायर टू डिटरमाइन दी ऑप्टिमम पॉइंट. ठीक है, अभी हम लोग इसी पे फोकस करते हुए एक दो सवाल करेंगे, कोशिश करेंगे ग्राफिकल मेथड भी करें, मजा आएगा देखिए. ओके प्लीज हैव अ लुक. जो अभी क्वेश्चन किया था वही वाला उठा ले लैग्रेंज से. क्या कहते हो, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू एक्स वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट इज 2x प्लस वाई बराबर एम, 2x प्लस वाई बराबर एम. ओके कहता है लैग्रेंज से निकालो ऑप्टिमम पॉइंट, तो कैसे करोगे, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लाई, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लाई. सो कैपिटल एफ एक्स वाई लैम्डा इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस लैम्डा 2x प्लस वाई माइनस एम, ये बचेगा. नाउ एफ डैश एक्स निकालेंगे बेटा, सो y माइनस x का वन हो जाएगा, y ऐसी रहेगा, 2x का 2 हो जाएगा, 2 लैम्डा. एफ डैश वाई निकालेंगे बेटा, सो x माइनस लैम्डा, और एफ डैश लैम्डा निकालेंगे तो माइनस 2x प्लस वाई माइनस एम. ठीक है, एक एक करके जीरो के इक्वेट करेंगे, एफ डैश एक्स जीरो रखेंगे, लिख लेना फॉर मैक्सिमम, तो y इक्वल टू टू लैम्डा आएगा. एफ डैश वाई को जीरो के इक्वेट करेंगे, सो x इक्वल टू लैम्डा आएगा, यहां से लैम्डा y बाय टू आएगा, यहां से लैम्डा x है, सो इन दोनों से y बाय टू इक्वल टू x हो जाएगा, y की वैल्यू टू एक्स हो जाएगी. फिर एफ डैश लैम्डा जीरो है, सो टू एक्स प्लस वाई माइनस एम इक्वल टू जीरो, ये पूरा जीरो के इक्वेट करेंगे, माइनस उधर चले जाएगा, वाई की जगह टू एक्स डालेंगे, एक्स एम बाय फोर आ रहा है, और एक्स को एम बाय फोर डालेंगे, वाई एम बाय टू, सेम आंसर, एग्जैक्टली सेम आंसर. ठीक है, कैलकुलेशन हर सवाल में एक जैसी है, थोड़े से फंक्शन कॉम्प्लिकेट होंगे और कुछ नहीं होगा, बाकी मेथड बदल जाए हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो आप इसके कुछ भी सवाल ट्राई कीजिए यहां पे लैग्रेंज के थ्रू आपको ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन करनी हो. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफिकली सिखाने के लिए, कि सम टाइम एग्जामिनर कहता है द वॉट एवर ग्राफिकल, पहले ग्राफिकल से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट और आपको सिखाता हूं, पहले ग्राफिकल से पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये जो पॉइंट्स आए ये मैक्सिमम भी है या नहीं है, या मिनिमम भी है या नहीं है, वो हम कैसे चेक करेंगे, फिर मैं ग्राफिकल पे आता हूं. ठीक है, ओके गाइस, सो अभी तक हम लोग ऑप्टिमम पॉइंट्स निकाल रहे थे, अब हम चेक करेंगे जो ऑप्टिमम पॉइंट आए हैं ये एक्चुअली में मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या इन्हें ऑप्टिमम पॉइंट कंसीडर भी करें ना करें. सो अगर तुम सबको याद हो तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते थे वन वेरिएबल के लिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू भी हम मैक्सिमम मिनिमम बताते थे, सो एंड ग्राफिकल के थ्रू भी मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं. सो यहाँ पे कोई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टाइप कोई चीज़ नहीं होती, एक एच के मेथड में यूज करूंगा मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए, एक ग्राफिकल मेथड में यूज करूंगा मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंडीशन में यूज करूंगा मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए. तो ग्राफिकल और सेकेंड ऑर्डर बाद में, पहले एक एच के मेथड यूज, एच के मैं खुद नाम दे रहा हूँ उसको, मतलब एक तरीके का हिट एंड ट्रायल के थ्रू आप एच और के एच, मतलब कोई एच के एक नंबर लेके उसके बेसिस से बताओगे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, प्लीज देखिए मैक्सिमा या मिनिमा अभी फिलहाल क्या होगा वो पता नहीं, x प्लस वाई है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू वन. ठीक है, सबसे पहले आप लोग लैग्रेंज के थ्रू x और y निकाल लीजिए. ठीक है जी, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर, इसके बाद फिर ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे. ठीक है, वो जबरदस्त है भाई साहब, मजा आ जाएगा तुम लोग कसम से. ठीक है, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर. ठीक है, सो
कैपिटल एफ एक्स वाई लैम्डा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन. सो एफ डैश एक्स किया, आप लोग भी प्लीज मेरे साथ साथ कर लीजिए तो भला हो जाएगा आपका. टू एक्स लैम्डा ठीक है फाइन, जीरो के इक्वेट करें. सो एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे, ये आएगा लैम्डा वन आ जाएगा. एफ डैश लैम्डा को जीरो रखेंगे, लैम्डा को वन यहां डालेंगे, सो एक्स की वैल्यू हाफ आ जाएगी. और एक्स की हाफ यहां डालेंगे वाई आ जाएगा माइनस थ्री बाय फोर, एक सेकेंड प्लस थ्री बाय फोर. सो पॉइंट आ गए हाफ और थ्री बाय फोर. ठीक है, जिनको ऑप्टिमम पॉइंट कंसीडर किया जाए. अब ये मैक्स पॉइंट है मिनी पॉइंट है वो कैसे पता लगेगा मुझे ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा टू डायमेंशनल से कुछ चीज सिखाता हूं, प्लीज देखिएगा. अगर मान लो तुमने डायग्राम बनाया, ये मैक्सिमम पॉइंट है. मैक्सिमम पॉइंट का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज ये x इक्वल टू टू पे आया, तो अगर तुम टू से थोड़ा आगे गए या टू से थोड़ा पीछे गए तो जो भी y वैल्यू आ रही है टू डी पे बनाया वो इससे छोटी आ रही है, इस y वैल्यू से छोटी आ रही है. इट मीन्स अगर कोई भी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है तो उससे आगे जाओ या उससे पीछे जाओ उस पे जो फंक्शन वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी. सिमिलरली मिनिमा है, लेट अस सपोज टू पे ही आ रहा है ये वाला, अगर ये मिनिमा है टू मिनिमा है और इस पे ये मिनिमम वैल्यू आ रही है तो इट मीन इस टू से थोड़ा आगे जाओ या टू से थोड़ा पीछे जाओ तो वैल्यू इससे बड़ी आएगी. वाई वैल्यू बड़ी आ रही है, बहुत बेसिक है. अगर कोई पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट होता है या मिनिमा पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से अगर थोड़ा सा आगे या पीछे तुम लोग जाओगे तो वैल्यू या तो बड़ी आएगी या छोटी आएगी. अगर मैक्सिमा है तो छोटी आएगी, मिनिमा है तो बड़ी आएगी. क्लियर है? अब यही चीज मैं यहां यूज करने वाला हूं. मेरा जेड क्या था, एक्स प्लस वाई. मेरा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू वन. और मेरा x आया था 1 बाय टू और y आया है 3 बाय फोर. ठीक है, 1 बाय टू और 3 बाय फोर. अच्छा, लेट कर लो एक x स्टार विच इज हाफ प्लस h विच इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड y स्टार इज 3 बाय फोर प्लस k. अच्छा मेथड है ये, कहता है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी मत यूज करो, ग्राफ भी मत यूज करो, हिट एंड ट्रायल के थ्रू बताओ या कोई और मेथड के थ्रू बताओ, एच के मेथड के थ्रू कि मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा. प्लीज देख, मैंने इस एक्स स्टार और वाई स्टार को जेड में पुट करा, फोर एलसीएम आएगा, दो दो फाइव बाय फोर प्लस एच प्लस के आ गया. कायदे से अगर ये मैक्स पॉइंट या मिनी पॉइंट हैं तो इन पॉइंट्स को इस जेड में पुट करूंगा तो मैक्स वैल्यू या मिनी वैल्यू निकलेगी. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन. सो हाफ और थ्री बाय फोर अगर डाला जाएगा तो फाइव बाय फोर आएगा, तो फाइव बाय फोर आ गया. बट फिलहाल मैंने ये पॉइंट डालें तो एच प्लस के भी आ रहा है. अब किसी तरीके से अगर मैं एच प्लस के निकाल लूँ तो मेरा काम होगा. ओके गाइस, देखिए तो अब हमें ये एच प्लस के किसी तरीके से पुट करना पड़ेगा और उसके बेसिस में पता लगेगा कि जो फाइव बाय फोर है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है. देखिए हमारे पास एक गिवन कंडीशन है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू वन. So whatever x, y you are putting here, that must hold this equation also. That's the meaning of constraint. So मैंने half plus h डाला इधर और 3 by 4 plus k. ये h और k बहुत छोटे नंबर है, ठीक है, approaches to zero kind of. तो 1 by 4 plus h square plus 2ab में h ही बच जाएगा, 3 by 4 plus k equal to 1. So 3 by 4 and 1 by 4 मेरे पास हो जाएगा 4 by 4 1. इससे वाला वन चला जाएगा. सो एच प्लस के की वैल्यू मेरे पास माइनस एच स्क्वायर आ गई, तो फाइनली जेड कितना आ गया, 5 बाय 4 माइनस एच स्क्वायर. सम जेड स्टार भी ले सकते हो,
तो z की वैल्यू 5 बाय 4 माइनस एच स्क्वायर आ रही है, कब? हाफ और 3 बाय 4 के आसपास के पॉइंट पे। इट मींस हाफ और 3 बाय 4 पे तो 5 बाय 4 आ रहा है। अगर आप x को हाफ y को 3 बाय 4 डालोगे तो 5 बाय 4 आ रहा है, बट हाफ और 3 बाय 4 के आसपास के पॉइंट पे 5 बाय 4 माइनस एच स्क्वायर आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एक बात बताओ, एच स्क्वायर तो कैन नेवर बी नेगेटिव। भाई साहब एच नेगेटिव भी है तो भी एच स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, और अगर 5 बाय 4 माइनस एच स्क्वायर में कर रहा हूं तो इससे क्या पता लग रहा है, एच की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज तुम लोगे, जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 बाय 4 ही आने वाली है। आप एच को कुछ भी डाल लो, जीरो डालो तो 5 बाय 4, 1 डालो तो 5 बाय 4 से छोटा, 2 डालो तो 5 बाय 4 से छोटा, माइनस 1 डालो तो 5 बाय 4 से छोटा, क्योंकि माइनस हो रहा है उसमें से कुछ यार, और स्क्वायर में वो तो पॉजिटिव बन जाएगा माइनस एच भी डालोगे तो। अगर आप एच की वैल्यू माइनस की भी लोगे तो वो एच स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा, और 5 बाय 4 में से उसको घटाओगे तो छोटा नंबर आ जाएगा। तो इट मींस अगर z लेस देन इक्वल टू 5 बाय 4 आ रहा है, इट मींस ये मैक्स हो गया। भाई z की वैल्यू 5 बटे 4 या उससे छोटी है तो यानी 5 बटे 4 सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, दैट्स ऑल। बोलो ना यार, मतलब बोलोगे कैसे? आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन चेक आउट दी मैक्सिमा और मिनिमा। फिलहाल ये मैक्स का क्वेश्चन था एक तरीके से। तो हाफ और 3 बाय 4 के आसपास के पॉइंट पे वैल्यू 5 बाय 4 से कम आएगी, और या 5 बाय 4 आएगी, तो 5 बाय 4 इज द मैक्स वैल्यू हाफ और 3 बाय 4 पे। तो ये एक मेथड हो गया एच और के मेथड, जिसके थ्रू तुम मैक्स पे नहीं, कुछ कुछ सवालों में कोशिश करना इसको चेक करने की, काफी जगह ये वर्केबल है बढ़िया तरीके से। कहीं कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं, वहां पे मेथड थोड़ा सा फेल हो जाता है, बट काफी जगह ये वर्केबल है। तो 2-3 सवालों में ऑल करना, अगर तुम लोगों से नहीं हो पाएगा तो प्लीज यू कैन आस्क, उसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, हमने लैग्रेंज पढ़ लिया, हमने एच के मेथड पढ़ लिया, अब हम मूव करेंगे ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है, देखिए, ओके गाइस, सो नाउ लैग्रेंज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर श्योर आता है पेपर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, मेरे पास क्वेश्चन है ये, मिनिमाइज जेड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है 2x प्लस वाई बराबर ए। सबसे पहले आप सारे के सारे स्टूडेंट लाग्रेंज के थ्रू एक्स वाई निकाल लीजिए, उसके बाद ग्राफ पे आते हैं। सो वही लेट लैम्डा बी दी लाग्रेंज मल्टीप्लायर। ठीक है, सो हाउ शुड वी प्रोसीड? नया फंक्शन बनेगा कैपिटल एफ एक्स वाई लैम्डा, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस वाई माइनस ए। एफ डैश एक्स किया 2x माइनस 2 लैम्डा, एफ डैश वाई किया 2y माइनस लैम्डा, एफ डैश लैम्डा किया माइनस 2x प्लस वाई माइनस ए। जीरो के इक्वेट किया, यहां से x इक्वल टू लैम्डा आ गया, यहां से 2y इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, और इन दोनों से x इक्वल टू 2y आ गया। थर्ड इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर ए, x की जगह 2y डाला, 5y इज इक्वल टू ए, y इज a बाय 5, a इज पॉजिटिव मान लो, सपोज करो मैं लिख रहा हूं ये पॉजिटिव है, एंड x इज y, अगर a बाय 5 आ रहा है तो x आ जाएगा 2a बाय 5। ठीक है, ओके, एक बार ये चेक कर ले, y a बाय 5, 4a बाय 5, y a बाय 5, ठीक है, 2a बाय 5 एंड a बाय 5 ये आ गया। अब कह रहा है इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करो, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर तुम लोग लगता है कि आज की क्लास हमने देख ली, इतना ज़्यादा हो गया लैम्डा तक, अब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो स्टॉप कर दो आज की क्लास, कल देख लेना, थोड़े 2-4 सवाल लैम्डा से निकाल लो, थोड़े फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद देख लेना। ठीक है, बट अगर समझ में आ रहा है और सुपर इंटेलिजेंट हो सारे, हो नो डाउट, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। सो देखो, ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ, 5 मिनट डायग्राम, मज़ा आ जाएगा। देखिए
फाइन, क्या था? मिनिमाइज करना था सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, नहीं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, बस कोई पॉइंट ले रहा। एक्स आया है 2a/5 और वाई आया है a/5। अच्छा, इस पे जो जेड वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? मिनिमम जेड अगर मैं इसे कंसिडर कर रहा हूं तो 2a/5 का स्क्वायर प्लस a/5 का स्क्वायर, 25 एलसीएम, 4a² प्लस ए स्क्वायर, 5a² / 25, a² / 5 आ रहा है, ठीक आ रहा है। एक सेकेंड, 4 25 a² / 25, 5a² a² / 5, ठीक है, ये जेड आ गया। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, प्लीज देखना, आप लोग के पास ये जेड की वैल्यू आ रही है a² / 5। तो अगर जेड जो कि x² + y² है, जिसकी a² / 5 वैल्यू आई है 2a/5 और a/5 पे, ऐसे बहुत सारे और कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं जिसपे ये वैल्यू आ जाए a² / 5। फिलहाल ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल। मैंने क्या किया, मैंने पहले z की वैल्यू निकाली किसी पर्टिकुलर x y पे, तो इस z की वैल्यू को लेकर मैं लेवल कर्व बना रहा हूं, मैंने लेवल कर्व बना दिया। अब आते हैं इस पे, इस लाइन के बाद आप x को 0 डालो, y की वैल्यू a आएगी, y को 0 डालो, x की वैल्यू a/2 आएगी, तो ये इस पे टेंजेंट होगा यहां पे, ठीक है। किस पॉइंट पे, कहां पे दोनों मिलेंगे? 2a/5 और a/5। याद करो क्या पढ़ाया था, मैक्सिमम मिनिमम टेंजेंसी वक्र करता है। बहुत आराम से समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। आपने जो भी z की वैल्यू निकाली, इस z की वैल्यू पे पूरा लेवल कर्व बना दिया, वो बड़ा वाला हैमंड का डायग्राम याद है, यहां पे टेंजेंसी में निकल रही थी वैल्यू, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर व्हाट आर दीज पॉइंट, बड़ा सिंपल है, ये एक तरीके की रेडियस है भाई, ये एक सर्कल है ना सेंटर एट ओरिजिन, तो रेडियस क्या है इसकी, a/√5 हो जाएगी, तो ये सम फेयर a/√5 है, ये a/√5 है, ये -a/√5 है, ये -a/√5, ठीक है, ये सबको क्लियर। और आप देख सकते हो 2a/5 और a/5 पे, 2a/5 और a/5 इस लाइन को तो होल्ड कर ही रहे हैं, चेक कर लो भाई, इसी से तो निकला है। एक्स को 2a/5 डालो क्या आएगा, 4a/5, और इसको a/5 डालो, a/5 5a/5 a हो जाएगा, प्लस ये 2a/5 और a/5 सर्कल को भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल का जो राइट का मैंने ये निकाला हुआ है, ये मैंने 2a/5 और a/5 करके तो निकाला है, तो ये टेंजेंसी आ गई। अब सवाल ये निकल कर आता है कि डायग्राम से कैसे पता लगाऊं ये मिनिमा है। बच्चों ये बहुत बेहतरीन चीज है जो तुम्हें किसी भी किताब में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलनी ही नहीं वाली, कसम से। तो तुम इसको देखो, और अगर वाक्य में तुम्हें पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करो, और जो बाकी यूट्यूब पर बोलते हैं लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स दो, बुरे कमेंट भी दो अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी चलेगा, ठीक है। बट अगर सच्ची में समझ में आता है तो सारे बच्चे प्लीज इस पर कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि किताबों में ये नहीं है, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हैव अ लुक, देखिए जी, देखिए, सी नाउ यू कैन सी दैट जिस भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, विच इज x² + y², वो एक सर्कल है सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो मैं इसकी कोई भी वैल्यू यहां लूंगा, वट एवर वैल्यू मैं यहां पे कंसीडर करूंगा, ये z वैल्यूज होगी, ठीक है, और ये z वैल्यूज जो भी आएगी, बड़ी होगी तो मैक्सिमा आएगी, छोटी होती जाएगी तो मिनिमा आ जाएगी। सपोज करो अगर मैं a² / 5 है उससे कोई छोटी वैल्यू लेता हूं यहां पे, तो सर्कल अंदर बनेगा। अगर a² / 5 मान लो 10 है, ऐसा एग्जांपल ले लो, मैं 5 लेता हूं, तो x² + y² = 5 का सर्कल x² + y² = 10 के सर्कल के अंदर बनेगा, बड़ा सिंपल है, ठीक है। और अगर मैंने इससे छोटा लिया तो ये पॉइंट आया, मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि ये मिनिमम वैल्यू है
मैं तो कह रहा हूं देखो ये भी तो मिनिमम आ रही है, ये जो सर्कल है इस सर्कल पे जो जेड वैल्यू है वो ए स्क्वायर बाय फाइव से छोटी है, तो इसे मिनिमम बोलो ना, ए स्क्वायर बाय फाइव को मिनिमम क्यों बोल रहे हो? प्लीज ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जेड वैल्यूज इज द वैल्यू विच शोज इट इज मैक्सिमम और मिनिमम. इफ वी अकॉर्डिंग टू लाग्रेंज एंड एवरीथिंग, इफ आई एम अज्यूमिंग दैट ए स्क्वायर बाय फाइव इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो अगर मैं इससे छोटी वैल्यू ले रहा हूं तो उसका सर्कल ऐसा बनेगा. बट ये सर्कल और ये वैल्यू कंसीडर ही नहीं की जाएगी, क्योंकि वट एवर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जेड आर कमिंग थ्रू एक्स वाई, ठीक है, दैट एक्स वाई ऑल्सो या मस्ट होल्ड टू द कंस्ट्रेंट. क्या इस सर्कल के जितने एक्स वाई हैं वो इस लाइन पे कहीं भी लाए कर रहे हैं, इस लाइन के एक्स वाई पे कहीं भी इंटरसेक्ट या टच कर रहे हैं? नहीं. इसका मतलब ये जेड छोटा तो है बट इस सिनेरियो में उसे मिनिमम जेड नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो कंस्टेंट को होल्ड नहीं कर रहा. सो और छोटा सर्कल ले लो और जेड छोटा हो जाएगा और जेड छोटा हो जाएगा, बट ये सारे छोटे जेड का मैं अचार डालूंगा, ये मेरी कंस्टेंट के एक्स वाई को तो होल्ड ही नहीं कर रहे, तो इसलिए इसे ही मिनिमम माना जाए. बट आपको देख सर कैसे पता लगा है मिनिमम है, मिनिमम का मतलब क्या होता है, उससे और बड़े भी होने चाहिए ना. चलो 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 देखो 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 भाई बड़ा मजेदार है. मैंने एक बड़ा सर्कल बना लिया, ये जो बड़ा सर्कल बनाया उस बड़े सर्कल की रेडियस ए, पता है आपको सिनेरियो क्या करना है, मैं आपको बहुत अच्छा एक तरीका बताता हूं, एक रूल ऑफ थंब. आप लोगों ने इन एक्स वाई को पुट करके एक जेड निकाला, इस जेड को यहां लेके डायग्राम बना दिया. अब आपने क्या करना है, एक जेड इससे बड़ा लेना है, एक जेड इससे छोटा लेना है, आपको पता लग जाएगा मैक्स मिनी है नहीं. जब आपने इससे छोटे जेड लिए, जब आपने इससे छोटे जेड लिए तो वो कंस्ट्रेंट को होल्ड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यही छोटा रहेगा. जब आप इससे बड़े जेड लेते जा रहे हो तो देखो वो कंस्ट्रेंट में आ रहे हैं ना, तो मतलब जेड की वैल्यू की शुरुआत यहां से हो रही है, इस सर्कल से हो रही है, क्योंकि ये सर्कल कंस्ट्रेंट को भी होल्ड कर रहा है, फिर ये सर्कल आता है ये भी कंस्ट्रेंट को होल्ड कर रहा है, मतलब इससे बड़ा, अगर ये वाला सर्कल इससे बड़ा है तो इस सर्कल की जेड वैल्यू इससे बड़ी होगी, फिर अगले सर्कल की जेड वैल्यू और बड़ी होगी, तो मतलब जेड की वैल्यू की शुरुआत यहां से हो रही है ना, इस सर्कल से, ये सर्कल फिर ये सर्कल फिर ये सर्कल फिर ये सर्कल, तो सबसे छोटा सर्कल ये, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी. अब मैक्सिमम कभी कभार एग्जामिनर बोलता है मिनिमम निकालना है, तो बताओ मैक्सिमम भी है नहीं है, क्या इसमें मैक्सिमम है? मैं बोलता हूं हाँ ये मैक्सिमम है, क्योंकि देखो ये इससे बड़ा है. क्यों भाई? इससे बड़ा एक और भी तो है जो लाइन को होल्ड कर रहा है, इससे बड़ा एक और भी तो है जो लाइन को होल्ड करेगा, सो देयर इज नो मैक्सिमा हियर. डायग्रामेटिकली यू गाइस नीड टू चेक ऑल्सो फॉर वेदर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट और नॉट. यू कैन सी द मिनिमा इज एग्जिस्टिंग बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट सर्कल, इससे छोटा सर्कल हो ही नहीं सकता. अगर भाई हो भी रहा है तो जी एक्स वाई बराबर सी को होल्ड नहीं कर रहा, तो दिस इज ओनली द छोटा सर्कल. वट अबाउट द बड़ा सर्कल? वट अबाउट द बड़ा जेड? बड़ा जेड के लिए बड़े सर्कल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, तो बड़ा है बट कितना बड़ा, मतलब कितने बड़े, कितने सारे जेड हो सकते हैं, मतलब कितने सर्कल बन जाएंगे जो इस लाइन को होल्ड करते हुए चलेंगे, बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े, तो मैक्सिमाइज में नहीं होगा, देयर इज नो मैक्सिमा. एक सवाल और करा दो तो और बेटर पिक्चर क्लियर होगी, बाकी तुम रिमाइंड करके तो देख ही सकते हो. ओके एक सवाल और करते हैं ग्राफिकल, जो हमने किया हुआ है, हम लोगों ने शायद मैक्सिमम जेड एक किया था एक्स प्लस वाई और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू वन, ठीक है. आई थिंक अगर याद हो तो शायद एक्स वाई आया था, वाई थ्री बाय फोर आया था, और इससे जो जेड आया था वो फाइव बाय फोर आया था. मजा आएगा देखो बच्चों बहुत ज्यादा. तो फाइनली जो इसका लेवल कब बनेगा वो x प्लस वाई बराबर फाइव बाय फोर का बनेगा, ठीक है, लेवल कब. ओके
देखिएगा ध्यान से, लेवल कर्व से पहले कंस्ट्रेंट का डायग्राम बना लिया करो, बनाना है तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट, क्यों कंस्ट्रेंट तो मूव करेगा नहीं, कंस्ट्रेंट अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन है तो वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर है, सो दिस इज अ प्योर पैराबोला लाइक दिस, ओके। उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू फाइव बाई फोर है, सो x को जीरो डालेंगे, y फाइव बाई फोर, वाई को जीरो डालेंगे, x फाइव बाई फोर, तो ये कुछ इस तरीके का टेंजेंसी में चला जाएगा। एक सेकेंड अंडू, एक मिनट रुकना बच्चों, पनी की लाइन टेंजेंट नहीं जा रहा, सॉरी, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ रैंडम सा टेंजेंट, समझ जाना, ठीक है, टेंजेंसी लाइन जा रही है, फाइन, टेंजेंट बना लेना, तरीके से, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हाफ और थ्री बाय फोर, अब क्या है, मेरी बात सुनो सारे ध्यान से, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, मैक्सिमा है मिनिमा है कैसे पता लगेगा, प्लीज देखिएगा, प्लीज देखिएगा यार, ये 5 बाय 4 है, मैंने क्या बताया था, एक बार इससे बड़ी वैल्यू ले लो, लेट अस सपोज 2 ले लो, तो x को 0 डालोगे y 2, y को 0 डालोगे x 2, इससे क्या पता लग रहा है कि इसका डायग्राम जितना राइट में शिफ्ट हो रहा है उतना z बढ़ रहा है, ठीक है, अब 5 बाय 4 से छोटा ले लो, एक काम करो 0 ले लो, तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, सॉरी ठीक है, जितना डायग्राम ये वाला इसका लेवल कर्व नीचे शिफ्ट हो रहा है जेड वैल्यू कम हो रही है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है जेड वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, ये मैक्सिमा कैसे है ये बताना है, ये वाली वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है, ग्रीन लाइन जो है ठीक है वो इस स्काई वाली लाइन से छोटी है और इस स्काई वाली लाइन इससे बड़ी है, बट ये स्काई वाली लाइन अगर बड़ी है बट इसे मैक्स नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्काई वाली लाइन मेरे कंस्ट्रेंट कर्व को टच ही नहीं कर रही, कट ही नहीं कर रही है, कंस्ट्रेंट को होल्ड करना जरूरी है, इट मींस, बट अगर मैं इससे छोटी लाइन लूं ये वाली और इसे छोटी लाइन, इसे रैंडम में एक और बना दूं, इसे पैरेलल ही बनाऊंगा सारी, ठीक है, इट इसका मतलब इसके बाद की जितनी भी जेड जेड के लेवल कर्व है वो सब कंस्ट्रेंट को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं बट इस लाइन से छोटे, तो ये लेवल कर्व पे जो जेड है मैक्सिमम हो गया, सिंपल। कुछ बच्चे कहते हैं सर इस एग्जाम में पूछ लेगा क्या इसमें मिनिमा है, क्या इसमें मिनिमा है ये बताओ, एग्जामिनर ने पूछ लिया क्या इसमें मिनिमा है ये बताओ, मैं बोलूंगा हाँ ये रहा मिनिमा, मैं बोलूंगा नहीं 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 ये है मिनिमा, देखो ये भी कट कर रहा है, मैं बोलूंगा नहीं 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 ये है मिनिमा, भाई साहब मिनिमा की तो लिमिट ही नहीं है, लेवल कब उन्हें कंसिडरेशन में लेके आना है जो कंस्ट्रेंट पे टेंजेंट हो या कंस्ट्रेंट को कट कर रहे हो, जो लेवल कब कंस्ट्रेंट पे टेंजेंट है वो यहां से शुरू हो रहा है, उसके बाद सारे उससे नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी जेड वैल्यू हो गई, इससे बड़ी कोई जेड वैल्यू है ही नहीं जो कंस्ट्रेंट को होल्ड कर रही हो, अब मिनिमम की बात करें ये छोटी जेड वैल्यूज हैं, मान लो अगर मैं कहता हूं ये सबसे छोटी जेड वैल्यू है इस जो कि जेड की सबसे छोटी वैल्यू जो कंस्ट्रेंट को कट कर रही है, इसके एक्स वाई कंस्ट्रेंट को, बट इससे भी छोटी हो सकती है, इससे भी छोटी हो सकती है, तो देयर इज नो मिनिमा हियर, सो इन दिस वे यू कैन रिकॉग्नाइज whether it is maxima or minima, बच्चों बहुत ही beautiful concept है यार, amazing, Hammond से किसी किताब से पढ़ने बैठोगे ना तो मजा नहीं आएगा, मैं मतलब सत्य में बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को यार ये, और तुम YouTube पे इसको देख रहे हो तो भरपूर इसको शेयर करो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, मात्र दो से तीन नंबर का आएगा ये, बट दो तीन नंबर की बात नहीं करते हम तो कंसेप्ट को सीखने की बात करना चाहते हैं, क्लियर है, ओके फाइन, so in this way some मतलब through diagram we judge that what is happening basically, ठीक है,
आगे देखिए प्लीज एवरीवन। अच्छा समटाइम कुछ कुछ कभी कभार किसी किसी सवालों में इंटरप्रिटेशन टाइप मांग लिया जा रहा है। सर्कल वाला सवाल मैंने कराया था, अगर मैं इसको थोड़ा सा इन्होंने कुछ इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर रखा है, जैसे अगर तुम इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देखो तो एक तरीके का ये डिस्टेंस है एक्स वाई का फ्रॉम ओरिजिन, है ना। तो इसको ऐसे भी ये प्रेजेंट करते हैं, हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। सी एक तरीके का डिस्टेंस, हमें वो पॉइंट निकालने हैं, हम लोगों को बेसिकली इसको मिनिमाइज करना है ना, तो हमें वो एक्स वाई चाहिए जिससे डिस्टेंस मिनिमम हो, और वो एक्स वाई डेफिनेटली इस लाइन पे भी लाई करनी चाहिए। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, बेसिकली ये निकालना है। ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का, वो एक्स वाई चाहिए जिससे जीरो जीरो का जो डिस्टेंस आए वो मिनिमम आए और वो एक्स वाई इसको भी होल्ड करें। सो समटाइम ये लाइन भी कभी कभार यूज के लिए, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, इस तरीके से इसको इंटरप्रेट, मतलब हमेशा हर क्वेश्चन इंटरप्रेट हो जाए बहुत जरूरी भी नहीं है, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स, फाइन, ठीक है। अब इसमें इसमें भी हमें निकालना है, मतलब बेसिकली मैक्सिमम जेड निकालना है ना बेसिकली, और ये आपका पैराबोला है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू वन का। तो इसमें भी आप बोल सकते हो कि आप लोगों को इस समीशन को मैक्सिमाइज करना है, सो दैट व्हाट आर द पॉइंट टू दिस पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू वन। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है। ये तो मैंने अपने आप बना के लैंग्वेज बना दी, बट मेनली ग्राफिकल मेथड कुछ इस तरीके से तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है। और जो मैं लैंग्वेज अभी मैंने बनाई कि मैक्सिमम टोटल निकालना है एंड ऑल करके, इनमें लैंग्वेज थोड़ी कम यूज होती है। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला कंसेप्ट है ना, मतलब जब कोई सर्कल वगैरह बन जाता है वहाँ थोड़ा वो ज़्यादा यूज होता है, इसमें तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, जो भी मैंने बोला उसको भूल सकते हो। चलो आगे देखो, नाउ एक और सवाल अच्छा सा जिसमें मैक्सिमम मिनिमम ग्राफिकली बताएंगे, प्लीज देखेंगे सारे के सारे बच्चे। ओके शायद मैक्सिमाइज जेड है 2x प्लस 3y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, इसमें मैं तुम्हें कंक्लूजन दूंगा बढ़िया वाला, ठीक है, देखना ध्यान से। मान लो लाग्रेंज मल्टीप्लायर से सॉल्व ऑल किया, वो कर लोगे सारे, सो 18 34 12 मैं x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 आ रही है। ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना, ये बता रहा है कि अगर मैक्सिमम लिख दिया और ये एक्स वाई निकाल लिए तो जरूरी नहीं है मैक्सिमम हो गए। लाग्रेंज मेथड से जो तुमने आंसर निकाला क्वेश्चन में जो मेंशन है, जरूरी नहीं है वो ही निकलेगा। ग्राफिकल मेथड एक बेहतर पिक्चर देगा आपको कि क्या होगा। सबसे पहले इस एक्स के 9 और वाई के 4 को इधर डालेंगे, 18 और 12 30 आ गया। सो पहला लेवल कर्व 2x प्लस y 3y इक्वल टू 30 का बना लेंगे, बट बिफोर ड्राइंग द लेवल कर्व सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा अच्छे से, जब मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ये जहां कट हो रहा है ना, ठीक है, ये 0.25 है और ये 25.0। अभी तक के दो कंस्ट्रेंट के डायग्राम एक लाइन थी जो पूरी चीरती हुई जा रही थी, उसमें सारे के सारे एक्स वाई कर रहे थे। अभी तक का जो एक और कंस्ट्रेंट मैंने बनाया था वो पैराबोला था, वो भी नीचे से ऊपर तक जा रहा था, नीचे तक वो कितना भी जा रहा था, बट अब ये कंस्ट्रेंट का डायग्राम जो है ये बाउंड हो चुका है यहां पे, ना इससे आगे जाएगा ना इससे आगे जाएगा, तो बंद हो गया एक तरीके से। देखो ध्यान से, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस, तो x को 0 डालेंगे y 10 और y को 0 डालेंगे x 15, तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, ये वो टेंजेंसी हो गया 9.4 पे,
ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, हम देखते हैं डायग्राम, इसको क्या जो ये पॉइंट्स है इनको कट कर सकता है नहीं कर सकता। तो एक्स का जीरो और वाई का 25 डालेंगे, एक्स का जीरो और वाई को 25 डालेंगे तो जेड 75 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 75 लेके चलते हैं, ठीक है। तो x को 0 डाला तो y 25, y को 0 डाला एक 75 by 2 somewhere here, ऐसा बन गया। फिर एक ये पॉइंट भी ले लेते हैं, x को 25 डालेंगे, मतलब देखो कोई भी एक पॉइंट लेके z निकाल लो और उस z को लेके फिर डायग्राम बना दो, सिंपल। तो x को 25 डालेंगे 50, और y को 0 डालेंगे तो 0 तो 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2x plus 3y equal to 50, तो x को 0 डालेंगे y 50/3 और y को 0 डालेंगे x 25, 50/3 somewhere here। आप देख रहे हो मैंने अभी जो भी z निकाला था 30, जब मैंने बड़े z लिए 50 लिया तो और बड़ा, 75 लिया तो और बड़ा। अच्छा अगर मैं 30 से कम लूंगा तो इस लाइन से पीछे कहीं आ जाऊंगा ना, तो इसका मतलब जब लाइन ऊपर जा रही है तो z बढ़ रहे हैं, जब लाइन नीचे आ रही है तो z कम हो रहे हैं, ठीक है। ये लाइन जितनी भी नीचे आई है इन्हें मिनिमम z में काउंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लाइन जो मेरा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है जो मेरी कंस्टेंट है उसको कट ही नहीं कर रही है। तो z की वैल्यू की शुरुआत ही यहां से हो रही है, सो इट मींस इस 9.4 पे जो 30 आ रहा है ये मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। अब इससे बड़ा जो z आ रहा है वो काउंटेबल ही नहीं है, क्योंकि वो भी मेरी कंस्टेंट से दूर है। तो सबसे बड़ा z ये है, देखो कंस्टेंट पे कट भी कर, और सबसे छोटा z ये है, बड़ा z 75, छोटा z 30, दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। क्वेश्चन में आ गया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक मिले एक ना मिले, एक ना मिले एक मिले, हो सकता है दोनों मिल जाए। दोनों कब मिले? जब ये कंस्टेंट एक तरीके से बाउंड हो गई, अब इससे आगे वागे नहीं जा सकते। और देखो क्वेश्चन में लिखा था मैक्स, और इससे जो 9.4 से आंसर आ रहा है वो आ रहा है मिनी। सो बहुत ध्यान रखना है आपको सवाल करते हुए ज्योमेट्रिकली। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड अमेजिंग वे टू शो व्हाट एवर लैग्रेंज मल्टीप्लायर से यू गाइस आर गेटिंग, इट इज मैक्स और इट इज मिनी, दैट्स ऑल, ठीक है। सो आई होप लैग्रेंज मेथड के जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चंस करें, लैग्रेंज मेथड्स के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें, लैम्डा वगैरह लेके ग्राफिकल मेथड करें। अब इसके बाद इसमें सफिशिएंट कंडीशन है, इनइक्वालिटी की कंस्ट्रेंट है, लैम्डा की इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है, एनवलप थ्योरम, दिस इज अ ह्यूज टॉपिक। बट ये आज के टॉपिक का बेसिक था जो आपके काफ़ी मतलब दिमाग के पेच हाई होप खोल के गया हो, ठीक है। सवाल करो यहाँ तक के जो भी, मुझे नहीं लगता तुम लोग अटकोगे। कैलकुलेशन यार, कैलकुलेशन तो कभी यार गलती मैं भी कर देता हूँ, भगवान से भी हो सकती है, ठीक है, फाइन। चलो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए जितना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।